फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम एट वेक्टर एजुकेटर्स। और आज हम लोग टेंस को पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, सबको बहुत दिक्कत होती है कि टेंस समझ नहीं आते, टेंस क्या होते हैं हमें पता नहीं चलता। तो इस वीडियो का नाम ही हमने रखा है कि 10 मिनट्स में टेंस की टेंशन खत्म। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों की सारी टेंशन, सारी परेशानियाँ खत्म होने वाली हैं। सिर्फ ये 10 मिनट में हम अच्छे से टेंस को सीख जाने वाले हैं कि टेंस क्या होते हैं, टेंस के टाइप्स क्या होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टेंस, तो व्हाट इज टेंस? इट डिनोट्स द टाइम एन एक्शन टेक्स प्लेस। कोई भी टाइम जब कोई एक्शन होता है, एक एक्शन जब हो रहा है, उस मूमेंट ऑफ टाइम को हम लोग बोलते हैं टेंस। अब वो जो टाइम है, वो टाइम पास्ट में भी हो सकता है, वो टाइम प्रेजेंट का भी हो सकता है, या फिर वो टाइम फ्यूचर में भी हो सकता है। इसी चीज को आज हमें पढ़ना है, अच्छे से समझना है। तो टेंस की डेफिनेशन एकदम सिंपल है। टेंस का मतलब होता है टाइम, वो टाइम जब कोई एक्शन हो रहा होता है। देर आर थ्री मेन टेंसेज। अब वो तीन मेन टेंसेज कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमारा प्रेजेंट टेंस, देन है पास्ट टेंस, और उसके बाद है फ्यूचर टेंस। तो ये जो प्रेजेंट टेंस होता है, मतलब इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल, जो चीज़ें अभी प्रेजेंट में हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रेजेंट में मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग यू, तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट टेंस। वो टेंस, वो चीज़ जो अभी प्रेजेंट में हो रही है, उसी को हम लोग कंसिडर करेंगे प्रेजेंट टेंस में। नेक्स्ट इज पास्ट टेंस। पास्ट टेंस मतलब ऐसा कोई एक्शन जो कि पास्ट में हो चुका है, ऐसा कोई एक्शन जो बीते हुए कल में हो चुका है, उसे हम बोलेंगे पास्ट टेंस। और फ्यूचर टेंस मतलब वो एक्शन, वो वर्ब जो फ्यूचर टेंस में होने वाली है, मतलब आने वाले कल में होने वाली है, इसी को हम लोग फ्यूचर टेंस बोलेंगे। तो ये बेसिक सी डेफिनेशन थी। प्रेजेंट मतलब अभी का काल, अभी का समय, पास्ट मतलब बीता हुआ कल, और फ्यूचर मतलब आने वाला कल। ये बेसिक सी डेफिनेशन थी। अब आगे इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। ऐसी चीज़, ऐसा एक्शन जो कि उस टाइम पे हो रहा है जब वो बोला जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से कि आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं अभी बोल रही हूँ कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, और मैं आपको पढ़ा भी रही हूँ। मतलब ये जो चीज़ है, ये हो जाएगी हमारी प्रेजेंट टेंस की, ये हमारा सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का हो जाएगा, क्योंकि ये एक्शन जो हो रहा है पढ़ाने वाला, ये तभी हो रहा है जब वो बोला जा रहा है। आई एम टीचिंग यू, अभी मैं बोल रही हूँ आई एम टीचिंग यू, और अभी मैं क्या कर रही हूँ, अभी मैं आपको टीच ही तो कर रही हूँ ना, इसलिए इस चीज़ को बोलेंगे, इस टेंस को हम लोग बोलेंगे प्रेजेंट टेंस। एग्जाम्पल देखिए, आई राइट दिस लेटर टू प्लीज यू। अब इसमें लिखा है आई राइट, मैं लिखता हूँ या मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो ये क्या चीज़ हो गई, ये चीज़ हो गई प्रेजेंट की। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनके पीछे ता, ती, ते, तो हमें मिल जाए, उसी को हम लोग प्रेजेंट टेंस बोलेंगे। नेक्स्ट इज पास्ट टेंस। पास्ट टेंस मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो सारी चीज़ें जो कि बीते हुए कल में हो चुकी है, जो कल चला गया उसमें जो चीज़ें हो चुकी है, उसी को हम लोग बोलते हैं पास्ट टेंस। यहाँ पे लिखा भी है कि इट रिफर्स टू एक्शन दैट टेक्स प्लेस इन द पास्ट। ऐसे एक्शंस जो कि पास्ट में होते हैं, जो बीते हुए कल में हो चुके हैं, उन्हीं को हम लोग पास्ट टेंस बोलेंगे। जैसे कि आई रॉट द लेटर इन हिज प्रेजेंस, मैंने ये लेटर लिखा था। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये जो लेटर लिखने का काम है, ये पास्ट में हुआ ना, मैंने ये लेटर लिखा था, तो जिनके पीछे था, थी, थे, ये सारे वर्ड्स आ जाए, उनको ही बोलेंगे हम लोग पास्ट टेंस। नेक्स्ट इज फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में आपको बताया कि वो चीज़ें जो कि आने वाले कल में होने वाली हैं, ऐसे काम जो आने वाले कल में होने वाले हैं, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं फ्यूचर टेंस। जैसे कि इट रिफर्स टू एन एक्शन दैट हैपेंस इन द फ्यूचर, जो फ्यूचर में होता है, या फिर इट इज़ लाइकली टू हैपन इन द फ्यूचर, जो फ्यूचर में होने वाला है, भविष्य काल में जो चीज़ें होने वाली हैं, आने वाले कल में, जो आने वाले टाइम में जो चीज़ें होने वाली हैं, उन्हीं को हम लोग बोलेंगे फ्यूचर टेंस। जैसे कि आई शैल राइट अनदर लेटर टुमारो, मैं कल दूसरा लेटर लिखूंगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं लिखूंगा, मैं लिखूंगी, मैं खाऊंगा, मैं पढ़ूंगा, ये सारे जो एक्शन है, ये फ्यूचर में होने वाले हैं ना, ये अभी हुए नहीं है और ना ही ये अभी हो रहे हैं, फ्यूचर में होने वाले हैं। ऐसे ही एक्शंस को हम लोग बोलेंगे फ्यूचर टेंस वाले एक्शंस। तो ये डेफिनेशन थी तीनों की, कि व्हाट इज प्रेजेंट टेंस, व्हाट इज पास्ट टेंस, व्हाट इज फ्यूचर टेंस। अब आगे टेंसेस को हमने फर्दर क्लासीफाई किया, वो क्लासीफिकेशन क्या है उसको देखते हैं। टेंसेस आर फर्दर क्लासीफाइड इन टू सिंपल या फिर इंडेफिनेट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये चार क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले आता है हमारा इंडेफिनेट, दूसरा है कंटिन्यूअस, तीसरा है परफेक्ट, और चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब ये चारों क्या होते हैं वो तो समझ लें हम लोग। देखिए, इंडेफिनेट टेंस की बात करूँ या फिर सिंपल टेंस की बात करूँ, ये ऐसे टेंस होते हैं जो कि हम लोग सिर्फ बोल रहे हैं, मतलब मैं यहाँ पे सिर्फ एक्शन अगर मेंशन कर दूँ, जैसे कि आई टीच,
मैं पढ़ाती हूँ। अब ये जो मैंने सेंटेंस बोला आई टीच, इस ये जो टीच है ये टीच हमारा एक्शन है, मैंने इस एक्शन को यहाँ पे मेंशन किया, लेकिन मैंने ऐसा नहीं बताया कि ये एक्शन कंप्लीट हुआ या फिर इनकम्प्लीट है, मैंने इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं दी। मैंने सिंपली बोला कि आई टीच, मैं पढ़ाती हूँ, या फिर आई डांस, मैं डांस करती हूँ, ठीक है, जैसे ही स्टडी। तो ये जितने भी सेंटेंस हैं ये सारे हो जाएंगे सिंपल टेंस के सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पे मैं एक्शन को मेंशन कर रही हूँ, जैसे कि डांस, स्टडी, टीच, यहाँ मैंने एक्शन मेंशन किया, लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि एक्शन अपने आप में कंप्लीट है या फिर इनकम्प्लीट है। ऐसे ही टेंसेस को हम लोग बोलेंगे सिंपल टेंस। नेक्स्ट है हमारा कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है कोई ऐसा एक्शन जो अभी कंटिन्यूअसली चल रहा है, जैसे आई एम टीचिंग। अब ये जो आई एम टीचिंग है, मैं पढ़ा रही हूँ, तो इस एक्शन को मैं कंटिन्यूसली कर रही हूँ। ऐसे ही अगर मैं बोल दूँ ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है, तो वो खेल रहा है, वो कंटिन्यूसली खेल रहा है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो सेंटेंसेस है इन सेंटेंसेस में मैंने एक्शन को मेंशन किया और ये एक्शन अभी कंटिन्यूसली हो रहा है, लगातार हो रहा है। ऐसे ही टेंस को हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट इज परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस का मतलब होता है ऐसे एक्शंस जो कि हुए और एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके खत्म हो गए, ऐसे ही एक्शन को हम लोग बोलेंगे परफेक्ट टेंस। इसको आगे एग्जांपल से और अच्छी तरीके से समझेंगे हम लोग। नेक्स्ट इज परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वो होते हैं जो कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टार्ट हो रहे हैं, देन वो कंटिन्यू हो रहे हैं और ये अभी भी कंटिन्यू हो रहे हैं, ये ख़त्म नहीं हो रहे। ऐसे जो सेंस दें हमको उनको ही हम बोलेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको भी हम आगे एग्जांपल के थ्रू और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारे टेंसेस थे कि जो टेंस है, टेंस का क्लासिफिकेशन किस तरीके से। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो हमारे टेंस होते हैं इन टेंस को हमने क्लासीफाई किया तीन टाइप में। फर्स्ट इज प्रेजेंट, देन पास्ट, और उसके बाद मैंने आपको बताया फ्यूचर। उसके बाद मैंने आपको ये चार टेंस बताए कि जो एक है हमारा वो है इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा है परफेक्ट और चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हमें क्या करना है, हमें इन चारों को प्रेजेंट में पढ़ना है, फिर पास्ट में भी इन चारों को पढ़ना है और फ्यूचर में भी इन चारों को पढ़ना है। तो कितने टेंस हो गए हमारे टोटल, चार इसके टोटल हमें 12 टेंस पढ़ने हैं। वो 12 कौन कौन से, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरीके से पास्ट के पढ़ने हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही फ्यूचर के भी चार पढ़ने हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आइए बिना देरी किए हम इनको पढ़ते हैं एक एक करके। सबसे पहले तो सिंपल टेंस की डेफिनेशन दी गई है आपको कि वर्ब दैट शोज दैट एक्शन इज मेंशनड सिंपली। एक्शन इज मैंशनड सिंपली, हम किसी भी एक्शन को सिंपली मैंशन कर दें, हमें ये ना पता चले कि वो एक्शन कम्प्लीट है या फिर वो इनकम्प्लीट है, हम सिंपली एक्शन को मैंशन करें। ऐसे ही टाइप के टेंसेस को हम लोग बोलते हैं सिंपल टेंस। देखिए पहले दिया हुआ है हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंसेस का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें होता है सब्जेक्ट, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये अगर हमें स्ट्रक्चर मिल जाए तो हम समझ जाएंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। अब इस स्ट्रक्चर को यूज करके सेंटेंस कैसे बना वो समझते हैं। सबसे पहले लिखा है आई ईट पिज्जा एवरी डे। अब ये जो आई ईट पिज्जा एवरी डे है ना, इसमें ये आई हो गया हमारा सब्जेक्ट, ईट है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट है पिज्जा। देखिए सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो ये सेंटेंस हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का, एकदम ईजी है। इस फॉर्मूले को याद कर लेंगे, हमें पता चल जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे बनता है। नेक्स्ट इज सिंपल पास्ट टेंस। देखिए सिंपल पास्ट टेंस में होता है सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस कैसे बना वो समझते हैं। यहाँ पे लिखा है आई एट पिज्जा यस्टरडे, तो आई हमारा सब्जेक्ट है, एट है वर्ब का सेकंड फॉर्म और पिज्जा हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो सिंपल पास्ट टेंस का अगर सेंटेंस बनाना है तो सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इस चीज पे ध्यान दें, वर्ब की फॉर्म पे, कि कौन सी फॉर्म यूज होगी टेंस बदलने के लिए। नेक्स्ट सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, देन विल या फिर शैल, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आता है। मतलब अगर हमें ये वाला स्ट्रक्चर मिल जाए तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा सिंपल फ्यूचर टेंस का। अब ये सेंटेंस क्या है उससे समझते हैं हम स्ट्रक्चर को। लिखा है आई विल ईट पिज्जा टुमारो, मैं कल पिज्जा खाऊंगी। अब यहाँ पे देखिए ये जो आई है, ये आई है हमारा सब्जेक्ट,
विल या शैल यूज कर सकते हैं, अगर फ्यूचर की बात हो रही है तो हमने विल यूज कर लिया। देन ईट, ईट जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और पिज्जा हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो आप देख सकते हैं कि हमने ऊपर वाला ही स्ट्रक्चर यूज किया और सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस बनाया। यहां तक चीजें क्लियर है। नेक्स्ट हम कंटिन्यूअस टेंस को देख लेते हैं कि कंटिन्यूअस टेंस क्या होते हैं। मैं समझा तो चुकी हूँ, एक बार डेफिनेशन देखिए। इट शोज दैट द एक्शन इज इनकम्प्लीट और कंटिन्यूअस। ठीक है, ये जो हमारा एक्शन है ये एक्शन इनकम्प्लीट है और कंटिन्यू है अभी लगातार, जो अभी प्रेजेंट मोमेंट पे जो चीजें हो रही हैं उसी को हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, देन इज आर एम, उसके बाद वर्ब का फॉर्म आईएनजी में। ये जो चीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आपको वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म मिल जाए उसका, तो समझ जाइए कि ये जो एक्शन है ये कंटिन्यू हो रहा है, मतलब अभी ये कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, आई एम ईटिंग पिज्जा राइट नाउ, मैं अभी पिज्जा खा रही हूँ। अब ये जो आई है ये आई हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद हमको इज आर एम यूज करना है और हमें पता है कि आई के साथ तो एम ही यूज होता है, हमने एम लिख दिया। उसके बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी में चाहिए, तो मैंने ईट और उसकी आईएनजी फॉर्म ईटिंग कर दी। उसके बाद आना चाहिए ऑब्जेक्ट, तो ये पिज्जा हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो इस स्ट्रक्चर को यूज करके हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस बना दिया। नेक्स्ट हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट वाज वेयर, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है और कंटिन्यूअस है इसलिए वर्ब का फॉर्म तो आईएनजी में ही रहने वाला है। उसके बाद आ जाएगा लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस देखिए, आई वाज ईटिंग पिज्जा व्हेन यू अराइव्ड। अब यहाँ पे ये जो आई है ये आई है हमारा सब्जेक्ट, क्योंकि पास्ट का सेंटेंस है इसलिए हम लोग वाज लेंगे। ईटिंग वर्ब का आईएनजी फॉर्म क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है ये। उसके बाद लास्ट में आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से मैंने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी सेंटेंस बनाया इस स्ट्रक्चर को यूज करके। नेक्स्ट इज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आना है हमारा और क्योंकि बात फ्यूचर की है तो विल आएगा बी और कंटिन्यूअस है इसलिए वर्ब प्लस उसकी आईएनजी फॉर्म और लास्ट में तो ऑब्जेक्ट आता ही है। तो इस स्ट्रक्चर को यूज करके हम लोग अपना सेंटेंस बनाते हैं। आई विल बी ईटिंग पिज्जा व्हेन यू अराइव। तो ये जो आई है ये आई हो गया हमारा सब्जेक्ट, विल या शैल क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है, बी उसके बाद ईटिंग मतलब वर्ब जो है ये वर्ब अपने आईएनजी फॉर्म में होगा इसलिए हमने यहाँ पे ईटिंग लिखा है, उसके बाद ये पिज्जा हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस बनाया। आई होप आपको ये वाला भी क्लियर होगा कि कंटिन्यूअस टेंस के अगर हमें सेंटेंस बनाने हैं तो उनका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग परफेक्ट टेंस को देखते हैं। तो डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। वर्ब शोज दैट द एक्शन इज फिनिश्ड, जो कि मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ। फिनिश्ड है, कंप्लीट है, इसीलिए हम उसको परफेक्ट बोलेंगे। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, मतलब कोई भी चीज़ मैं बोल रही हूँ तो वो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब मैंने उसको बोला उस टाइम पे वो एक्शन कंप्लीट हो चुका था, है ना। तो चुका था का मतलब होगा कि वो अपने आप में कंप्लीट है, चुका था, चुका है, है ना। तो इस टाइप से अगर कोई हमें सेंस दे रहा है तो उसी को हम लोग बोलेंगे परफेक्ट टेंस। अब ये जो एक्शन होते हैं ये एक्शन अपने आप में कंप्लीट होते हैं और जो चीज़ कंप्लीट होती है उसी को तो हम परफेक्ट बोलते हैं कि यार ये अपने आप में परफेक्ट है। परफेक्ट कब होती है, जब वो कंप्लीट होती है, उसमें कोई कमी नहीं होती। तो प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, पास्ट परफेक्ट क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट क्या होता है, इस चीज़ को समझते हैं। तो उसके लिए देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले तो सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हैज या फिर हैव आएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस बना के देख लेते हैं। इससे लिखा हुआ है आई हैव ईटन ऑल ऑफ द पिज्जा। अब यहाँ पे ये जो आई है ये आई हो गया हमारा सब्जेक्ट, हैज या हैव आना चाहिए, आई के साथ तो हैव आता है इसलिए हमने यहाँ पे हैव लिख दिया। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म क्यों लिया, वर्ब का थर्ड फॉर्म इसलिए लिया क्योंकि ये जो काम है, ये जो एक्शन है, ये हो चुका है, इसलिए हमने यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म लिया। और लास्ट में हमको ऑब्जेक्ट तो लेना ही है इसलिए हमने ऑब्जेक्ट ले लिया। तो इस तरीके से बन जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर हमें पास्ट परफेक्ट टेंस बनाना है तो सब्जेक्ट के बाद हम हेड लेंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट तो आना ही है। अब देखिए सेंटेंस लिखा है आपके सामने, आई, आई है हमारा सब्जेक्ट, हैड, हैड क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है इसलिए हम हैड लेंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है अगर परफेक्ट टेंस की बात हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म ली ईटन और उसके बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए, तो ऑब्जेक्ट है हमारा पिज्जा। तो इस तरीके से हमने पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस बनाया। नेक्स्ट हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस देखते हैं। देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस अगर बनाना है तो हम सब्जेक्ट के साथ विल, हैव,
वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लेते हैं। तो यहाँ पे हमने विल हैव लिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म ली और ऑब्जेक्ट लिया। अब सेंटेंस देखते हैं, आई विल हैव ईटन ऑल ऑफ द पिज्जा बाय द टाइम यू अराइव। अब यहाँ पे ये जो आई है, ये आई है हमारा सब्जेक्ट, विल हैव लेंगे क्योंकि ये है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और लास्ट में हमने लिया ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस का भी सेंटेंस बनाया। तो आई होप यहाँ तक आपको परफेक्ट टेंस भी क्लियर होंगे कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का परफेक्ट टेंस कैसे बनेगा। अब लास्ट जो टेंस बचा है वो लास्ट टेंस है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो वो देख लेते हैं कि परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है। A verb shows that the action is going on continuously. कोई भी action है जो कि continuously चल रहा है and not completed at this present moment. कोई भी ऐसा action जो कि अभी present moment में complete नहीं हुआ है, वो past में किसी moment में start हुआ था, continue है और ये अभी भी complete नहीं हुआ है, इसी type के tense को हम लोग बोलेंगे perfect continuous tense. अब हम देखते हैं कि present perfect continuous, past perfect continuous और future perfect continuous कैसे बनेगा। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें अगर, तो सब्जेक्ट के साथ हैज हैव बीन, वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ओ आएगा। यहाँ पे ध्यान रखना है बीन है मतलब वो परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस हो जाएगा और वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज किया क्योंकि कंटिन्यूअस की बात हो रही है। तो इस तरीके से हमारा बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस। अब इस स्ट्रक्चर को यूज करके हम सेंटेंस बनाते हैं। देखिए आई हैव बीन ईटिंग पिज्जा फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से पिज्जा खा रही हूँ। अब यहाँ पे ये जो आई है, ये आई हो गया हमारा सब्जेक्ट, हैज या हैव बीन आना चाहिए, आई के साथ हैव आता है इसलिए हैव बीन लिखा हमने। उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म होना चाहिए क्योंकि बात तो कंटिन्यूअस की हो रही है, इसलिए यहाँ पे हमने वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज किया और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट आना चाहिए जो कि है पिज्जा। तो इस तरीके से हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाया। देखिए क्या लिखा है, आई हैव बीन ईटिंग पिज्जा फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से पिज्जा खा रही हूँ। तो अभी जो टाइम है प्रेजेंट में, उससे अगर मैं 2 घंटे पास्ट की बात कर दूं, मतलब 2 घंटे पीछे ये एक्शन स्टार्ट हुआ था और तब से लेके अभी तक ये एक्शन चल रहा है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। मतलब कोई भी ऐसा एक्शन जो कि किसी एक मोमेंट ऑफ टाइम में स्टार्ट हुआ और अभी जो प्रेजेंट मोमेंट है उसमें चल रहा है, वो अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, इसी टाइप को हम लोग बोलेंगे ना परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो बस यही चीज़ है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अगर सेंटेंस बनाना है तो सब्जेक्ट देन हैड बीन आता है और उसके बाद क्योंकि कंटिन्यूअस है, तो ये तो चीज़ हमें अच्छे से अभी तक याद भी हो गई होगी कि वर्ब का एनजी फॉर्म आएगा अगर कंटिन्यूअस की बात हुई है और लास्ट में आ जाता है ऑब्जेक्ट। तो इस स्ट्रक्चर को यूज़ करके हम अपना सेंटेंस बनाते हैं, आई हैड बीन ईटिंग पिज्जा फॉर 2 आवर्स व्हेन यू अराइव्ड। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी वही बात है कि आई जो है ये हमारा सब्जेक्ट है क्योंकि पास्ट है ना, इसलिए हमने हैड बीन यूज़ किया, ईटिंग वर्ब का एनजी फॉर्म क्योंकि कंटिन्यूअस भी है और पिज्ज़ा हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। इस तरीके से हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस बनाया। नेक्स्ट हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को समझते हैं। देखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें अगर, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद विल हैव बीन, यहाँ पे हमने विल हैव बीन यूज़ किया है। उसके बाद कंटिन्यूअस है इसलिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो इस स्ट्रक्चर को यूज़ करके हमें सेंटेंस बनाना है, तब वो बन जाएगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस। अब देखिए आई विल हैव बीन ईटिंग पिज्ज़ा फॉर 2 आवर्स। अब इस सेंटेंस में क्या किया, इसमें ये जो आई है, ये आई है हमारा सब्जेक्ट क्योंकि फ्यूचर की बात हुई है, इसलिए विल हैव बीन इसलिए यूज़ किया क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस है और ईटिंग क्योंकि कंटिन्यूअस है इसलिए वर्ब का एनजी फॉर्म आएगा, पिज्ज़ा ऑब्जेक्ट हो गया। इस तरीके से हमने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी